अपने को खिलते हैं फूल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं दिल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल गिटार ट्यूटोरियल का। आज इस वीडियो में और एक बहुत ही स्पेशल सॉन्ग, बहुत रिक्वेस्ट ये गाने के लिए, खिलते हैं गुलियाँ, रियली किशोर दा का एक बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग, और एस डी वर्मन किशोर कुमार का जो भी सब लाजवाब गाने हैं उसमें ये भी एक गाना है। तो चलिए गाना का कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग देख लेते हैं। इसका तो ऐसा कुछ गिटार पार्ट्स है नहीं, तो इसके लिए हम लोग इसका कॉर्ड्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। कॉर्ड्स बहुत सिंपल है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको कॉर्ड्स को देख लेना है तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो ई फ्लैट माइनर का स्केल ये गाना, खिलते हैं गुलियां फिल्म शर्मिली से ये गाना, लिरिक्स नीरज श्रीधर एंड म्यूजिक एस डी वर्मन साहब एंड सिंगर किशोर कुमार साहब। तो एकदम स्टार्टिंग में आपको एक आलाप मिलेगा, तो ई फ्लैट माइनर और बी फ्लैट मेजर, ठीक है, ए मतलब फ्रेट नंबर 6 ए पोजीशन में अब बजाए तो बेटर है, ठीक है। तो ये ई फ्लैट माइनर, लास्ट में आप एफ शार्प में लैंड करें तो अच्छा है, वापस आपको ई फ्लैट में जाना है, ठीक है। तो देखिए ई फ्लैट माइनर, बी फ्लैट मेजर, एफ शार्प मेजर एंड ई फ्लैट माइनर, मतलब पूरा एक स्ट्रिंग्स लाइन है, उसके बाद आप मतलब स्केल में आ जाइए ई फ्लैट माइनर। और एक बार इधर एफ शार्प माइनर थोड़ा हार्ड लगे ये शेप, तो आप ये अभी बजा सकते हैं, खिलते हैं गुलियां, तो खिलते हैं गुलियां, ऐसा चार कॉर्ड होगा तो एकदम बहुत एकदम परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट होगा। हाँ, तो इसको अब थोड़ा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा मुश्किल नहीं। देखिए खिलते हैं ई फ्लैट माइनर, सी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, बैक टू ई फ्लैट माइनर, खिलते हैं गुलियां, एग्जैक्टली ये किया हुआ है, ठीक है। खिलते हैं, आप डायरी में नोट कीजिए विद लिरिक्स, कॉर्ड को बिठाइए ऐसा, खिलते हैं, खिलते हैं गुलियां, खिल के बिखरने को बस, तो समझ गए हाँ। मैं और एक बार थोड़ा बस यही लाइन अब थोड़ा एक बार और ठीक से देख लीजिए, बाकी गाने में इतना और कोई प्रॉब्लम नहीं। ई फ्लैट माइनर, सी शार्प मेजर, खिलते हैं, एफ शार्प मेजर, गुलियां, बैक टू ई फ्लैट माइनर, खिलते हैं गुलियां, ई फ्लैट माइनर, खिल के बिखरने को, एफ शार्प मेजर, फिर खिलते हैं गुलियां, नादे नाने नारे ने ना, सेकंड लाइन भी हुई, मतलब यही ई फ्लैट माइनर एंड एफ शार्प मेजर, यही दोनों मतलब रिलेटिव मेजर माइनर के ऊपर ये लाइन टिके हुए है, तो साथ में ये कॉर्ड जा रहा है, ला 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 दे ला दे ला दे ला 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 ना दे 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 ना दे
ये था साइन लैंड का और कुछ नहीं ज्यादा, और अंतरा चलिए ना रहे ना रहे कोई फिर ई फ्लैट माइनर एंड एफ शार्प मेजर रहे ना रहे मौसम ये प्यारे का इधर है, मतलब एफ शार्प मेजर एफ मेजर एफ शार्प मेजर ई फ्लैट माइनर ये मतलब ये जो ये नोट यूज हुआ ठीक है इसके लिए मतलब अपना इंडियन सारे गमगमा पा करीमा ये जो नोट यूज हो रहा है इसके लिए हमको एफ में एक बार जाना पड़ेगा ठीक है तो अभी ये सी शार्प मेजर ला 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 यहाँ एक मेजर में आया गाना जी शार्प मेजर ला 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 ले ना ले ना मेजर ये रिलेटिव मेजर माइनर का ये इसमें आप कोई भी कॉर्ड कोई भी जगह में बजा सकते हैं इतना आपको लिबर्टी है रिलेटिव मेजर माइनर बजाने का यही मतलब एडवांटेज है कि आप इसका जगह में इसको इस और इसका जगह में इसको आप कभी भी अल्टरनेट कर पाएंगे इसमें कभी भी आपको मतलब कोई फ्लेवर में चेंजेस नहीं आएगा कोई गलत नहीं लगेगा काम में ठीक है कि एक कॉर्ड गलत बज रहा है ऐसा कोई नहीं है ठीक है तो अंतरा और एक बार ये जगह यही सेक्शन रखिए ठीक है पहली इफ्लेम है ना देन एफ शार्प मेजर ना सी शार्प जी शार्प ला और एक सेकेंड इंटरलूड का शुरू में छोटा सा आलाप है बस इतना है तो ये गाने का कॉर्ड है ठीक है तो मतलब एकदम इजी है सिंपल नहीं कहूंगा मतलब आप अगर लिरिक्स को समझ के पॉइंट टू पॉइंट आप कॉर्ड करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्ले करेंगे अगर अभी बात है कि इसका स्ट्रमिंग तो देखिए ये मतलब जो ये तो ढोलक का रिदिम है मेन बॉडी रिदिम जो है वो ढोलक का है ये वेस्टर्न पैटर्न तो है नहीं तो ये एक 6/8 का वेट जा रहा है ठीक है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मतलब ये 3/4 नहीं ये 6/8 का वेट में आ रहा है ठीक है तो सके कि आप इस टाइप का स्ट्रमिंग आगे कभी किया नहीं तो नो प्रॉब्लम आप थोड़ा देख लीजिए देखिए 3 में डाउन 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 ओके देन डाउन 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 और
ढोलक का पैटर्न है, ठीक है, और ये दोनों को मार्च किया हुआ है गाने में, ठीक है। और आपको अगर ये स्ट्रमिंग थोड़ा मतलब ऑड लग रहा है, प्लेइंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप सीधे आरपेजियो स्टाइल में चले जाइए। ये भी क्यों है इसमें, तो मतलब ये प्योर मेलोडी सॉन्ग है, तबला झलोक का मतलब इंडियन फ्लेवर सॉन्ग है, तो इसमें आप बहुत अच्छा ऐसा लाइट आरपेजियो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका स्ट्रमिंग, तो यही था आज का गाना, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे ही चैनल में बने रहिए, चैनल को बहुत एक्सलेंट सपोर्ट दे रहे हैं, तो सबको मेरा थैंक्स। और चैनल में जो लोग नए आ रहे तो उन लोग को भी बोल रहा हूँ कि वीडियो देखिए, पूरा देखिए, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना रिक्वेस्ट भेजिए। हैव ए गुड डे।